डॉक्टर सुमित एवं डिंपल को लेकिन वर्तमान पुणी आउ थे गोटे प्रतिक्रिया आसुची जे जोभली भाव में डॉक्टर सुमित एवं डिंपल सात दिन रहिबे ना अनिर्दिष्ट काल रहिबे एक कथा आमे इथिपाई कहूँ जे विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम रे विभिन्न गणमाध्यम रे परिप्रकाश होउची जे सात दिन परे से माने कोर्ट रे आसी कि हाजर हेबे एवं ता परे से मानकर पुणी आउ थे हियरिंग हबो बा पुणी सुनानी हेई पारे तो वर्तमान समय रे गोटे आईनजीवी जी अच्छा रंजन उपाध्याय सी गोटे प्रतिक्रिया रखिबे जे डॉक्टर सुमित एवं डिंपल सात दिन रहिबे ना से जो शर्त थिला पांचोटी शर्त थिला सही शर्त रे सात दिन कथा लेखा होइनी आम सीधा सलख प्रतिक्रिया नवा आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी रंजन उपाध्याय मध्ये उपस्थित अच्छा सर स्वागत करुच्छे आलोचना को प्रथम जमीक अभोग आसूँ लोकंर मतामत आसुच्चे सात दिन रे सुमित एवं जो भाव में डिंपल तो या को लेकिन जो पांचटी शर्त रही पांचटी शर्त कौन कौन पांचटी शर्त रही पुणी वर्तमान जो चर्चा को आत दिनिया कथा या देखो पूर्वर मु जो दिन अनरेबल एसिजम हेज पास हिज अर्डर आई हाव अलरेडी क्लीयरली स्टेटेड बिफोर युअर चैनल दोज कंडीशंस दोज फाइव कंडीशंस इट इज ए यूजुअल प्रोसेस ऑफ कोर्ट दैट द केस विल बी पोस्टेड फॉर फर्दर डेट से ही भली ए केस टी मध्य 9/12/21 तारीख को पोस्टिंग होती 9/12/21 जो ये केस टी मामला टी जो पोस्टिंग करछनी ऑनरेबल कोर्ट तार दीटा पर्पोज अच्छे दीटा पर्पोज कौन है द फर्स्ट वन 9/12/21 तारीख रे आईआईसी आस्का एवं प्रोटेक्शन ऑफिसर तांकर रिपोर्ट माननीय अदालत पाखरे फाइल करिवे दाखल करिवे सेकंड हला एबे जो ऑर्डर हला मु गोटे पिटिशनर तपस्विनी दास तरफ जो इंटरिम पिटिशन दाखल करी से शुणाणी हो सहीटा तार ऑर्डर पास होती किंतु मेन पिटिशन टा एबे बाकी रही सो 9 तारीख रे समय तांको दिया जाइछि अपोजिट पार्टी को जे सेमाने से मेन पिटिशन उपरे काउंटर देवे सो ए दुटा जिनस हला परे आस्का आईआईसी एवं प्रोटेक्शन ऑफिसर को ऑर्डर एवं सेमानकर काउंटर देला परे माननीय अदालत फर्दर ऑर्डर पास करिवे आउ कोनोसी टारे मध्य कोनोसी प्रकार ऑर्डर दिया जाय नाही जे 9 तारीख दिन पिटिशनर तपस्विनी दास और तांको स्वामी डॉक्टर सुमित कुमार साहू से माने हाजर होगापी 9 तारीख दिन प्रश्न उठुची जिते बड़े 9 तारीख दिन आपण कहिबा अनुजाई जे प्रोटेक्शन ऑफिसर एवं आईआईसी जो से चाली चलन अच्छी से माने केमती से मानकर एक्टिविटीज केमती रहुची से डाटा आसीबो ता सहित आपण मेन पिटिशन मध्य से दिन तांकर अपोजिट साइड रु मध्य काउंटर आसीबो तो या भितर से ही दुई जन आसिकी कोर्ट रे हाजिरा हेबे ना हेबे नि से भली कौन से प्रकार निर्देश माननीय अदालत रु दिया जाय नि जे से माने हाजिरा हेबे काई कि ना सुमित साहू अपोजिट पार्टी रे जो अच्छा सुमित साहू तांग बापा माँ और बड़ भाई से माने ऑलरेडी तांकर वकिल निजुक्ति करिसेंथि तेणु वकिल माध्यम से जदि चाहिबे 9 तारीख रे काउंटर दे पारिबे तेणुक डिंपल बा जो तपस्विनी दास और डॉक्टर सुमित से मानकर आसीबार कौन से प्रकार निर्देशनामा दे ना ऑनरेबल कोर्ट जमी आप कहते पांचटी शर्त कथा गोटे गोटे शर्त रही से पांचटी शर्त को आम आउे टे फेर से भितर आसंता 9 तारीख जेहेतु आसला से गोटे चर्चा को पलि आसला सात दिनिया समय सात दिनिया से सात दिन भितर से कौन राय आसब कौन ए सब को लेकिन गोटे पटे चर्चा आ गोटे पटे जो भाव में पांचटी शर्त यह कि आप शेष कौन कहीपर देखु से मानकर चली चलन कंडक्ट से माने कौन किपली भावे रोचान से विषय रे मान्यवर अदालत दुईटा एजेन्सी को डायरेक्शन दे वन इज आईआईसी आस्का एंड द सेकंड वन इज प्रोटेक्शन ऑफिसर सो बेसिंग ऑन द रिपोर्ट्स द ऑनरेबल कोर्ट विल पास फर्दर ऑर्डर ऑन 9/12/2021 वर्तमान 9/12/2021 को आम अपेक्षा करवा जे से दिन अलग कौन किसी आसीपे कि आउ कि राय दे पारती कि मान्यवर कोर्ट तो यार भितर जो सात दिन व्यवधान भितर आपण आपणकर जेहेतु क्लाइंट रोचान तपस्विनी सेमती किसी मिसाइल योजना अच्छे कि आक्टिविटी आपण सेमती किसी जानपरेंगे ना मिसाइल मोर कौन प्रकार योजना ना जदि दरकार हुए सी जदि कौन जदि
କହିବାର ଅଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଆସ୍କା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ଆଇଆଇସି ଆସ୍କାଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଜଣାଇବାର ଅଛି ସେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଓ ସେଇଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆସ୍କା ଆଇଆଇସି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ତାର ସେ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ସୁମିତ ଏବଂ ଡିମ୍ପଲ ମିଶିପାରନ୍ତି ବା ନ ମିଶିପାରନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସାତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରୁହେ ତେବେ ସେଇଟା ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁଇରେ ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି 9 ତାରିଖରେ ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ, ସୋ ଏ ସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ଆଗେଇବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେମିତି କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସାତ ଦିନିଆ ବ୍ୟବଧାନ, ସାତ ଦିନରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି, ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ 9 ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି କି ସେମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ କୁହାଯାଇନି, କେବଳ ଯାହା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଇଆଇସି ଆସ୍କା ଓ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର। ଆମେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, 9 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା 9 ତାରିଖ ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଓ କାଉଣ୍ଟର ପରେ ହିଁ କୋର୍ଟ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟକୁ ନେଇକି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟ ରହିଛି, 9 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ସେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବିବେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥା ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, 7 ଦିନ ସେମାନେ ରହିବେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ଆଇକି ହାଜିର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା ମାନ୍ୟବର SDGM ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ 7 ଦିନିଆ ବ୍ୟବଧାନ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ 9 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆସିକା ଆଇଆଇସିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ତାପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତ ସେଇ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ 7 ଦିନିଆ ବ୍ୟବଧାନ, 7 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶିବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।